हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी सच दैट एबी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एसी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। कहा गया कि एक ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट कीजिए और इस ट्रायंगल एबीसी के साइड हमें दी गई है, एबी दी गई है 2.5 सेंटीमीटर, बीसी 6 सेंटीमीटर एंड एसी 6.5 सेंटीमीटर दी गई है। फिर लिखा है मेजर एंगल बी, कि एंगल बी को मेजर कीजिए कि एंगल बी कितने डिग्री का है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी का एक रफ डायग्राम बना लूंगी। ए बी सी, ठीक है, ए बी 2.5 सेंटीमीटर है, ए बी है 2.5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर है, बी सी है 6 सेंटीमीटर और ए सी 6.5 सेंटीमीटर है, ये है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए, रफ डायग्राम बना लिया। अब इसे देखते हुए मैं यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट बी सी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए, 6 सेंटीमीटर कितना होगा यहाँ पे, 0 से लेके 6 तक, ये कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या है ये बीसी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, साइड ए बी कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। तो अब मैं 2.5 सेंटीमीटर के प्रकार खोल लूंगी। तो देखिए, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में जो एक थोड़ी सी बड़ी लाइन आप देख रहे हैं, ये है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे प्रकार की नोक को रखते हुए, 2.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लूंगी इस तरह से, ठीक है। तो देखिए, 2.5 सेंटीमीटर के प्रकार मैंने खोल ली है। अब बी को सेंटर लेते हुए, यानी बी पे प्रकार की नोक को रखते हुए 2.5 सेंटीमीटर रेडियस की ये आर्क लगा लूंगी मैं इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, एसी है 6.5 सेंटीमीटर, तो यानी अब मैं 6.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलूंगी। तो देखिए, 6.5 सेंटीमीटर कितना हुआ, 6 और 7 के बीच में जो एक थोड़ी सी बड़ी लाइन है, ये है 6.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे प्रकार की नोक को रखूंगी, ठीक है, और इस प्रकार को ऊपर इस तरह से 0 तक खोल लूंगी, ठीक है। तो ये देखिए, 6.5 सेंटीमीटर की मैंने प्रकार खोल ली है। अब सी को सेंटर लेते हुए, ये, या फिर कह लीजिए सी पे प्रकार की नोक को रखते हुए 6.5 सेंटीमीटर रेडियस की मैं ये आर्क लगाऊंगी और वो फर्स्ट वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों आर्क्स जो हैं एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट है ए, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ए। अब ए बी और ए सी को ज्वाइन कर लीजिए, ए बी अब ए सी को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, ये ट्रायंगल एबीसी बन चुका है। एबी क्या है, 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लीजिए 2.5 सेंटीमीटर और एसी 6.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में आगे कहा गया कि मेजर एंगल बी, एंगल बी हमने मेजर करना है, ये कितने डिग्री है। तो देखिए, देखिए डी की हेल्प से मैं यहाँ पर ये एंगल बी मेजर करूंगी। क्या करेंगे, देखिए, जो ये डी का बीच वाला पॉइंट है, इसे ठीक पॉइंट बी के ऊपर रख लेंगे और जो ये डी की जीरो वाली लाइन है, उसे मैं इस लाइन के ठीक ऊपर रखूंगी इस तरह से। देखिए, ये देखिए, जो बीच वाला पॉइंट था डी का, वो मैंने पॉइंट बी के ऊपर रख लिया और जो ये जीरो वाली लाइन है, इसे मैं ठीक इस लाइन के ऊपर रखूंगी। देखिए, इस लाइन के ऊपर रख लिया। अब आप देखिए, यहाँ डी में काउंटिंग जो है इस तरफ भी है, 0, 10, 20, 30, ठीक है, और इस तरफ से भी है 0, 10, 20, 30। आपने किस तरफ से काउंटिंग देखनी है, देखिए, हम काउंटिंग उस तरफ से देखेंगे जिस तरफ हमारी लाइन होगी। हमारी लाइन किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। तो हम यहाँ से 0, 10, 20 देखेंगे। तो देखिए, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 जो ये लाइन है,
ये 90 डिग्री पे जा रही है, तो यानी एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। और देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स इस तरह से है। ड्रा अ लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पहले हमने लाइन सेगमेंट बी सी ड्रॉ की 6 सेंटीमीटर, फिर टेकिंग बी एज सेंटर एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क। बी को सेंटर लेते हुए हमने 2.5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क ड्रॉ करी। फिर सिमिलरली टेकिंग सी एज सेंटर एंड रेडियस 6.5 सेंटीमीटर, ड्रा अनदर आर्क विच इंटरसेक्ट फर्स्ट आर्क एट पॉइंट ए। फिर सी को सेंटर लेते हुए हमने 6.5 सेंटीमीटर रेडियस की दूसरी आर्क ड्रॉ करी जो कि फर्स्ट वाली आर्क को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रही है। फिर ज्वाइन कर दिया ए बी और ए सी को। दस ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। और ऑन मेजरिंग यानी मापने पर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।